हेलो दोस्तों, पट्टीपंती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन, और आप ही की तरह एक लर्नर। आज हम दोस्तों बात करेंगे द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो कि अपने एनसीईआरटी में एक बॉक्स बनाकर दे रखा है आधा पेज का। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये सिक्वाल में भी नहीं दे रखा है। बहुत सारे अब मेरे दोस्त हैं वो सिक्वाल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं दे रखा है। और दूसरा जो वंदना जादव उनका कोर्स मैंने किया, उसमें भी उन्होंने इतना नहीं बताया इसका। एटलीस्ट ये भी नहीं बताया कि मतलब सिद्धांत किसने दिया, और ना ही उन्हीं में भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है। तो अपन इस बारे में जो आधा पेज का जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था, उसके बारे में बात करते हैं। और इसको बहुत फनी अंदाज में आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि पांच सील गुणों के आधार पर पांच कैरेक्टर बताए थे, और इस कैरेक्टर को मैं तारक मेहता फेम पांच कैरेक्टर लेकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो ये पांच कैरेक्टर कौन कौन से लिए मैंने, आपको जैसे पता होगा कि एक नंबर पर मैंने बबीता जी को लिया, और दूसरे नंबर पर भीड़े, तीसरे नंबर पर जेठालाल, और चार नंबर पर जो शैलेश लोडा तारक मेहता खुद है, और पांच नंबर पर अंजलि भाभी। तो सबसे पहले यहीं से डिपेंड कर देता हूँ मैं दोस्तों कि उन्होंने पांच तरह के जो ट्रेट्स बताए थे। सबसे पहले उन्होंने ट्रेट बताया था ओपन, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें हिंदी में दे रखा है अनुभवों के लिए खुलापन। अपने को ओपन ही याद रखना, क्योंकि बाई लैंग्वेज आएगा पेपर और इंग्लिश में टर्म्स याद करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो है ओपन, वो बबीता जी को आपको समझना है, ठीक है। सेकंड जो है वो है कॉन्शियसनेस, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ, और ये अपने भीड़े मास्टर, ठीक है। थर्ड जो अपना करेक्टर है वो है एक्स्ट्रावर्ट, ये अपने जेठालाल एक्स्ट्रावर्ट, जिसको बहिर्मुखी कहेंगे, ठीक है। अब फोर्थ जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है अपना एग्रीएबल, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं सहमतिशीलता, एग्रीएबल, ठीक है। अब फिफ्थ कैरेक्टर है वो है न्यूरोटिक्स, जिसको अपन स्नायु विकृति कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद रखेंगे ओपन, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्ट, एग्रीएबल और न्यूरोटिक्स। अब इनके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करने से पहले एक अपने को स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी इस तरीके की दोस्तों कि ये पांचों कैरेक्टर हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ पर, एक किसी टापू पर जाते हैं, ठीक है। ये मतलब नाव में बैठकर टापू पर जा रहे हैं, और अपने सील गुणों के अकॉर्डिंग ही अपना व्यवहार करेंगे। और दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूँ कि जो भी ये कैरेक्टर है आपने मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिए हैं। आप समझ जानना कि ये किस तरीके से कैरेक्टर काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन, जो कि बबीता। ओपन के बारे में, बबीता जाते ही टापू पर क्या करेगी, वो एक तो उत्सुक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना है, कुछ चीज़ें खोजनी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, नए विचारों के प्रति उदार है। वहाँ पर जाकर वो नए नए पत्थर देखेगी, नई नई वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगी। नए विचारों के प्रति उदार है, ओपन है, अनुभवों के लिए उसके पास खुलापन है, उसको एक मौका मिला है अपने मतलब अनुभवों को एक्सप्लोर करने का। तो इनके जो ट्रेट्स हैं उसकी जो विशेषता है वो है दोस्तों देखिए, कल्पनाशील है दोस्तों, ठीक है। अनुभवों के लिए खुलापन है, और नए विचारों के लिए उत्सुक है, ठीक है। और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में इनकी रुचि है। तो अपन अब जैसे ही बात करेंगे जो अपना सीरियल है, सीरियल में भी जो कैरेक्टर है बबीता का, वो इस तरीके का है, वो किट्टी पार्टी का आयोजित करवाती हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में रुचि है, एक्सप्लोर करना चाहती है, नए नए ड्रेसेस वगैरह हर चीज़ एक्सप्लोर करने में उसकी रुचि है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर डिफाइंड हो गए। अब अपन बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर, जो कि भीड़े मास्टर, उनको अपन कहेंगे कॉन्शियसनेस या कर्तव्यनिष्ठ। अब भीड़े वहाँ पर जाकर टापू पर ऐसे नहीं कर रहा है बबीता की तरह, ठीक है, वो वहाँ पर भविष्य के लिए चिंतित हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो मतलब इकट्ठा कर रहा है क्या, एक तो फर्स्ट एड इकट्ठा कर रहा है कि किसी को चोट लग गई तो, और अपने जो सहयोगी हैं उनके लिए वो मतलब शुद्ध जल और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने के लिए मतलब व्यवस्था कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि आगे अब रात को मतलब झोपड़ी वगैरह भी बनानी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, इस तरीके से सोच रहे हैं वो। मतलब इसका जो कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस में कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं अपन। और इसकी विशेषता क्या होगी कि ये एक तो होगा उत्तरदायित्व, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
जैसे कि अपन सीरियल में भी देखते हैं कि सोसाइटी की जितने भी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है खुद अपने भीड़ अपने खुद पर लेता है। तो ये एक तो उत्तरदायित्व है, एक दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता कैसे है कि ये फर्स्ट एड लेके आया है, मतलब किसी को चोट लग जाएगी तो वो पहले से ही मतलब तैयार कर रहे हैं, रात के लिए खाना इकट्ठा करवा रहा है, ऐसे उसको मतलब दूरदर्शिता हो गई। तो इस तरीके का करेक्टर अपने मतलब सीरियल में भी है कि वो मतलब चोर वगैरह चोरी सोसाइटी ने करे तो वो मतलब फाटक वगैरह लगाता है, तारबंदी करवाता है। तो ऐसे दोस्तों उसका कर्तव्यनिष्ठ भिड़े मास्टर से आप याद करो, उत्तरदायित्व है, दूरदर्शिता है, उन्मुखता है, कर्मठता है, आत्मनियंत्रण है, उपलब्धि है, इस तरीके से इनके शूल गुण निर्भर करेंगे। अब अपन बात करते हैं जेठालाल जो कि एक्स्ट्रावर्ट या बहिर्मुखी है। जेठालाल का जैसा कि कैरेक्टर में भी इस तरीके का ही कैरेक्टर है कि वो क्या करेगा, पार्टी करेगा, मौज मस्ती करना है, बातूनी ज़्यादा है, सामाजिक रूप से सक्रिय है। तो इस तरीके का कैरेक्टर है वो, वहाँ पर टापू में जाकर भी मतलब सबको कह रहा है कि जलेबी फाफड़ लाओ और सबको बात करते हैं, मौज करने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिलनसार है, मनोरंजन प्रिय है, सामाजिक रूप से सक्रिय है, आमोद प्रमोद बातूनी, इस तरीके का कैरेक्टर है जिसको अपन एक्स्ट्रावर्ट कहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चौथा कैरेक्टर है एग्रीएबल जो कि अपना तारक मेहता का है। एग्रीएबल मतलब क्या, इनका करैक्टर इस तरीके का है जो सीरियल में कैसा करैक्टर है, जब भी जेठालाल को मुसीबत आती है तो किसको याद करते हैं, वो तारक मेहता को याद करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये मना नहीं करेगा, एग्रीएबल हमेशा सहमत हो जाए। अपने मतलब सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं जो पता है कि ये मना नहीं करेगा, ये काम कर देगा, ये दूसरों का काम करता है। मतलब ये इनका करैक्टर जो इसके सील गुण होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, कि एक तो सहयोग होगा इनमें, सहयोग होगा, ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ठीक है, और देखभाल केयर इनके मतलब पर्सनैलिटी में होती है, इस तरीके का मतलब कैरेक्टर होगा। अब ये वहाँ पर टापू में जाकर ये मतलब बबीता के लिए ये नींबू पानी लेकर आ रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनका कैरेक्टर है। और सब सबको पता है कि ये तारक मेहता मना नहीं करेंगे, ये एग्रीएबल है, हर काम में मतलब हाथ बटाएंगे, ऐसे मिलनसार है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, देखभाल का व्यवहार है। अब अपन बात करते हैं अंजलि भाभी की, न्यूरोटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि जो सीरियल में इनका रोल है उसमें वो बार बार काढ़ा लेकर आती हैं, करेले का जूस लेकर आती हैं, उनको चिंता है, दुश्चिंता, दुश्चिंता से ग्रसित है, मेन बात क्या है, दुश्चिंता से ग्रसित हैं, इनको चिड़चिड़ापन, घबराहट, असुरक्षित महसूस करती हैं, असुरक्षित। सीरियल में भी देखिए दोस्तों अपने सेहत के लिए ये चिंतित रहती हैं, चिड़चिड़ी है, भावुक, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इमोशनल कैरेक्टर है। इस तरीके से ये जिसको न्यूरोटिक्स या हिंदी में कहेंगे स्नायु विकृति, इनकी मतलब सामग्रिक रूप से इस तरह है, दुश्चिंता है, परेशानी है। अब यहाँ पर टापू पर जाकर भी इसको लग रहा है कि ये सब बाढ़ आ जाएगी, यहाँ पर तूफान आ जाएगा, कुछ सर्प वगैरह आ जाएगी, कैकड़े आ जाएंगी, इस तरीके से नेगेटिव सोच रही है, घबराहट हो रही है, असुरक्षित हो रही है, भावुक और सामग्रिक रूप से अस्थिर। इस तरीके से दोस्तों अपने मतलब 5 कैरेक्टर डिफाइन किए, ओपन ओपन जो करेक्टर था वो बबीता जी का, ठीक है, बाद में कॉन्शियसनेस, जिम्मेदारी, कर्तव्यनिष्ठ वो था भीड़े मास्टर, फिर एक्स्ट्रावर्ट जो था वो अपने जेठालाल, फिर अपने बात की थी एग्रीएबल जो कि तारक मेहता, और फिर न्यूरोटिक्स, न्यूरोटिक्स मतलब अंजलि भाभी। तो इस तरीके से दोस्तों 5 करेक्टर मैंने डिफाइन किए, और आपको यहाँ पर जानकर प्रशंसा होगी, खुशी होगी, एक ग्यूज बम आपको मिलेगा कि ये एक रियल कहानी थी। और पॉल कॉस्टर, रॉबर्ट मैकरे ने 5 कैरेक्टर वहीं से डिफाइन किए थे जब वो एक यात्रा पर थे। तो इस तरीके से वहाँ से वो एक बिग फाइव फैक्टर या बिग फाइव फैक्टर का जो पर्सनैलिटी का ट्रेट्स मॉडल था वो निकला, सील गुणों पर आधारित। सबसे पहले ऑलपॉट और कैटल ने बताया था, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने अच्छा एक मॉडल प्रस्तुत किया था, और इसको मॉडल को ओशियन ओशियन भी कहा जाता है, ओशियन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। अपन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है बॉक्स उसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी में बॉक्स में कुछ खास नहीं है दोस्तों, पहली बात तो किसने दिया था, तो पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैकरे ने दिया था। इसको फाइव बिग फाइव फैक्टर कहते हैं, मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ कि ये ओशियन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी कहलाता है। और इसके साथ ही जो 5 मैंने बताए थे करेक्टर, सबसे पहले ओपन, ओपन में दोस्तों
बबीता जी को याद करना। इसको कल्पनाशील होती हैं, उत्सुक होती हैं, नए विचारों के प्रति उदार होती हैं। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में इनकी अभिरुचि होती है। फिर बहिर्मुखी एक्स्ट्रावर्ट, एक्स्ट्रावर्ट में जेठालाल को याद करना। सामाजिक सक्रिय है, आग्रहिता है, बहिर्गमन है, बातूनीपन है, आमोद प्रमोद है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे सहमतिशील का। सहमतिशील अपने एग्रीएबल कौन, ये है अपने तारक मेहता। इनमें सहयोग होगा, ठीक है दोस्तों, इनके करेक्टर देखे, सहयोग, सहायता, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, देखभाल करना और पोषण करना जैसे इसमें होंगे। अब तंत्रिका ताप, इसको न्यूरोटिक्स भी कह सकते हैं, जो कि अपने अंजलि भाभी। इसमें सामूहिक रूप से अस्थिर, दुश्चिंता, इस तरीके से करेक्टर होंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अंतर्विवेकशीलता या कर्तव्यनिष्ठ या कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है कि निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता और कर्मठता होती है। अब दोस्तों ये बाइपोलर है, इसके जो विपरीत होंगे जैसे कि अनुभव के लिए खुलापन, तो इसका जो भी अपोजिट है उसके लिए इन्होंने एक अलग कैरेक्टर यूज कर दिया है। जैसे कम अंक प्राप्त करने वाले अनमयता, मतलब खुद में खुद रहना, अनुभव के लिए खुलापन, तो उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से पाँच और पाँच इसके विपरीत भी मान सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करके इसको बताना दोस्तों। धन्यवाद।